नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी गर्भवती है तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में या पूरी प्रेगनेंसी फाइबर युक्त आहार का सेवन करना कितना ज़रूरी होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लगभग गर्भवती महिला चाहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इसके लिए फाइबर युक्त आहार कितना ज़रूरी होता है, यही बात आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि फाइबर युक्त आहार भोजन में कैसे शामिल करें, किस चीज़ का सेवन करें जिससे आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिल सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो उससे पहले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं फाइबर युक्त आहार का सेवन करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहती है तो आप क्या क्या कर सकती है। तो फल की बात करें, यानी वो कौन से फल है जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, फाइबर का अच्छा स्रोत होता है केला, एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज यानी संतरा, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, ये सारी फलें फाइबर का अच्छा स्रोत होती है। तो आप अपने शरीर में फाइबर की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आप कौन सी सब्जियों का सेवन करें जिससे आपके शरीर में फाइबर की कमी बिल्कुल भी ना हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप वैसे हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें जो पत्तेदार सब्जी हो लेकिन वो डार्केन हो, मतलब वो गहरा हरे कलर का हो। अगर आप वैसी सब्जियों का सेवन करती है जैसे स्पिनच यानी पालक, इन सारी सब्जियों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जैसे आप ब्रोकली का सेवन भी कर सकती है, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप बीन्स का सेवन करें, बीन्स काफ़ी अच्छा स्रोत होता है फाइबर का। अगर आप बीन्स का सेवन करती है तो इससे आपके शरीर में फाइबर की कमी कभी नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आप फाइबर का सेवन करना चाहती है तो ब्रेड्स या ग्रेन्स यानी अनाज जैसे गेहूं, चावल, इन सारे चीज़ों में फाइबर पाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप नट्स का सेवन करती है तो नट्स में भी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी तो इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी आसानी होती है। वो कैसे, तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपके शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी तो इससे आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी, जिससे आपका कोई भी खाना आसानी से पच जाएगा, जिसकी वजह से आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी रहेगा और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आपके शरीर का हेल्दी रहना आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। फाइबर आपके शरीर में अन्य तरीके से भी फायदेमंद होता है। तो आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में या पूरी प्रेगनेंसी फाइबर युक्त आहार का सेवन जरूर करें, यह आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो यही सब थी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।